दिस इज़ द रूम जहाँ पे मेरे भाई का पहला इंटरव्यू हुआ था एक्सेंचर के लिए, जहाँ पे वो अभी करंटली प्लेस्ड है। हेलो पीपल ऑफ द इंटरनेट, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 10 और मैं अभी हॉस्टल पे नहीं हूँ। अभी मैं अपने मॉम डैड के साथ रुका हुआ था होटल पे। वैसे प्लान तो था मेरे भाई के साथ उसके हॉस्टल पे रुकने का, बट उसके हॉस्टल पे पार्टी थी तो मैं उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए अपने मॉम डैड के साथ होटल पे रुक गया। पर ये होटल बड़ा अमेजिंग है। यहाँ पे एक्चुअली होटल नहीं है, बंगलो है यहाँ पे, जो ये लोग गेस्ट लोगों को रुकने के लिए देते हैं। सो अभी उठा हूँ मैं, अभी 11 बजे हमें 11 बजे हमको चेकआउट करना है और वापस जाना है IIM अहमदाबाद। फिर वहाँ से मॉम डैड की ट्रेन है नागपुर के लिए 5 बजे और मेरी 10:30 बजे, तो शायद आज मैं थोड़ा घूम लूँ और फिर वापस सज्जनगढ़ लौटूँ। तो I'll see you guys. Okay guys, तो अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, नहाया धोया तो नहीं है क्योंकि मेरे सारे कपड़े भाई का हॉस्टल पे है। तो अभी नीचे नाश्ता करने जा रहा हूँ मॉम डैड के साथ, फिर वहाँ से हम लोग पैक करके निकलेंगे भाई के रूम पे। लेट्स गो। Where I'm staying with my parents, here's a montage shot for you. और एक कौन है मेरा सब्सक्राइबर पीछे आके रुका हुआ है। का कैंपस है वो रोड के दो साइड पे सिचुएटेड है, तो अब स्टूडेंट्स हमेशा रोड तो क्रॉस कर नहीं सकते, इसलिए ये टनल इन्होंने दिया है जो रोड के दो साइड के कैंपसेस को जोड़ता है। तो यहाँ से इजीली स्टूडेंट्स ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड आ सकते हैं। तो अभी जो आपने मोन्टाज शॉट देखा वो टनल के अंदर का था। टनल से आने के बाद हम लोग न्यू कैंपस में आ गए और अभी मेरा भाई मुझे अपने कॉलेज लेके आ गया उसके एक्चुअल क्लासरूम से। तो ये लोग, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वही जगह है, अगर आपने टू स्टेट्स देखी हो यहाँ पे वो वाला शॉट लिया था। ये कॉलेज के बाजू का ग्राउंड है, इतना हरा भरा। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो मेरे पीछे वहीं पे सारे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। मेरे भाई का भी वही प्लेसमेंट हुआ जहाँ टू स्टेट्स में इंटरव्यूज होते हैं, ये बिल्डिंग में होते हैं और सारे पेरेंट्स जो आते हैं वो भी यहीं पे रुकते हैं। बट मैं और मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रुके थे, हम बाहर होटल करके रुके थे। ये वाला जो हॉल है वहाँ पे सारे बच्चे, ऐसे होशियार बच्चे, प्लेसमेंट के वक्त बैठते हैं, प्लेसमेंट से पहले बैठते हैं, इंटरव्यू से पहले। और वो हॉल में जब बच्चे बैठे रहते हैं तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा रहता है जो नाम कॉल करता है कि ये कंपनी से ये बंदा आ जाए इंटरव्यू के लिए, और जब उसका नेम कॉल होता है तब वो बंदे यहाँ से आके ये वाले बिल्डिंग में घुसते हैं। और ये वाले बिल्डिंग में घुसने के बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रूम्स हैं जहाँ पे इनके इंटरव्यू होते हैं। ये एक स्पेसिफिक रूम है जहाँ पे GD होता है इंटरव्यू के पहले, और ये स्पेसिफिकली ये छोटे रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे इंटरव्यू होता है।
सिर्फ इंटरव्यू का सिलसिला चलता है, बाकी कुछ नहीं। मुझे तो पता नहीं, मैं वहाँ तक कभी पहुँचा नहीं हूँ। और जब इंटरव्यूज नहीं होते हो रहे, तब यहाँ पे पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स रहते हैं जो रुकने के लिए आए, वो एज अ होटल भी यूज़ करते हैं इन रूम्स को। तो अभी मेरा भाई मुझे वो रूम दिखा रहा है जहाँ पे उसका इंटरव्यू हुआ था। बाय द वे, इज प्लेस्ड इन एक्सेंचर, बस इतना ही बता सकता हूँ। तो दिस इज़ द रूम जहाँ पे मेरे भाई का पहला इंटरव्यू हुआ था एक्सेंचर के लिए, जहाँ पे वो अभी करंटली प्लेस्ड है। उसके बाद ही सेकेंड राउंड ये रूम में हुआ था 3103 में, और जो वो फाइनल राउंड में पहुँचा उसके बाद कौन सा रूम था, दैट गाय एंटर्ड दिस रूम और मेरी किस्मत चमक गई क्योंकि वो प्लेस हो गया। बहुत लोग मुझे कंपनी का नाम पूछ रहे थे तो एक्सेंचर में प्लेस्ड है, बस इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। यस, तो नाउ वी आर गोइंग टू IIM स्टोर जहाँ पे सारे IIM अहमदाबाद के हुडीज और स्टफ़ मिलता है, और मेरे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो भी मुझे कुछ हुडी या फिर टी शर्ट लेके देगा। तो आई एम गोइंग इनसाइड और वो भाई साहब तो पहले ही चले गए, तो ही इज़ बाइंग मी समथिंग। ओके, तो मैं अभी IIM स्टोर से बाहर आ गया हूँ। मेरे भाई ने मुझे एक टी शर्ट खरीद के दी गिफ्ट। अभी मैं हुडी लेने वाला था, पर अभी हुडी पहनने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा, सो मैंने हुडी नहीं लिया, मैंने बस एक टी शर्ट लिया। तो अभी मैं भाई के साथ जा रहा हूँ डिनर पे, अभी आई विल गो फॉर डिनर विद माय ब्रदर। फिर 10:30 बजे मेरी ट्रेन है वापस पुणे की, तो मैं वापस सज्जनगढ़ वापस हॉस्टल के ब्लॉग आएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। एंड ऑल्सो मैंने मेरे भाई का फेसबुक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि कैसे पढ़ना है कैसे प्लान करना है, तो यू कैन फॉलो हिम ऑन फेसबुक, तो वो अपने हिसाब से रिप्लाई कर देगा। लेट हो सकता है पर ज़रूर कर देगा ऑन फेसबुक एज ऋतुपर्ण फोन पिन पड़े। टिल देन आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।